भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जी सबको बहुत बहुत मुबारक है। थोड़ी सी आप उठा लो उठाई था चलो जी चलो बहुत अच्छा है। नवरात्रि रोजे इकट्ठे चल रहे हैं, सबको बहुत मुबारक है। रोड आता देती है आज हम लंबेड़ी अपर यहाँ पे अस्थि पंचायत है यहाँ पर आए तो डिपार्टमेंट के जे एडब्ल्यू सर हमारे साथ है, यहाँ की सरपंच मैडम और यहाँ की वाम हमारे साथ है। तो काफी जब डीडीसी इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पे लोगों की डिमांड थी इस रोड की और लोगों में काफी नाराजगी थी कि बोर्ड लेने सब आ जाते हैं और बाद में काम कोई नहीं करता। लेकिन जब यहाँ की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को डीडी सिलेक्शन में अपना आशीर्वाद दिया तो हमने भी 1.5 किलोमीटर तक पीछे जो है वो ब्लैक टॉप का काम करवाया और आगे का जो 3-4 किलोमीटर का पोर्शन था हमने अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाया कि रोड की बहुत बुरी हालत है, लोगों को काफी परेशानी आ रही है। हमने सोचा था कि 40-50 लाख तक जो मिलेगा तो हम उसके चलने लायक रास्ता बना देंगे, लेकिन अध्यक्ष जी का 4 करोड़ की यहाँ की आवाम को तोहफा बहुत बड़ा, मैं इसके लिए आप सबको बहुत मुबारकबाद देती हूँ और यहाँ की आवाम की तरफ से अध्यक्ष जी का और मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है। इसी कड़ी में आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एसटी है तो यहाँ पर हमने काफी यहाँ पर एक और इन लोगों को 8 करोड़ का जो है मॉडर्न एसटी पंचायत का लंबेड़ी अपर पंचायत को दर्जा दिया गया है जिसका 80 लाख जो है वो रिलीज हो गया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर मोदी 70 साल के बाद, पहले 70 साल से सरकारें आती थी इनसे वोट लेती थी लेकिन काम किसी ने नहीं किया, ये ग्राउंड पर आप देख सकते हैं और झूठ नहीं इन लोगों से पूछ भी सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार आई, देखो कितने कार्य, 8 करोड़ का जो आपकी मॉडर्न पंचायत यहाँ पर एसटी पंचायत है जो उनको दिएगी और मोदी सरकार ने जो इन पंचायतों के लिए किया फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत मेरे गुजर बकरवाल भाइयों की जमीनी का हक का जो कार्य है वो भी तेजी से चल रहा है और भी कितने अनगिनत कार्य हैं। इसलिए हम मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और अध्यक्ष जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने मात्र एमएलए जब भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया था 3-4 साल के कार्यकाल में उन्होंने सुंदरबन शहर में इतने काम किए कि अगर उन कामों को गिनाओ तो 1 साल लग जाएगा। मैं आप सबसे अध्यक्ष जी से ये कहना चाहूंगी कि यहाँ की जो जनता है यहाँ की आवाम है वो फिर से आने वाले विधानसभा चुनावों में आपको अपने नेता के रूप में देखना चाहती है और यहाँ की आवाम की तरफ से मैं एक्सीन साहब का पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के एक्सीन साहब जेई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो दिन रात जनता के लिए काम कर रहे, हमें भी कोऑपरेट होके काम करें और ईमानदारी से काम करें और यहाँ के सरपंच जो इनाजमा जी ये भी बहुत अच्छा काम कर रही है दिन रात बहुत टेंशन से एक काम मतलब अच्छी ईमानदारी से काम कर रही है। इसके लिए हम इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपकी जो इतनी पेंडिंग डिमांड थी आज वो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने पूरी की है। आगे भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बनकर आपके जो जो भी काम होंगे आपके साथ खड़े हैं, कोई भी मुश्किल आपसे आती है हम हमें बताइए क्योंकि आपने देख लिया। आप कहते थे कि नेता आते हैं बाद में कोई नहीं आता, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, ये रियलिटी थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये सिद्ध करके दिखाया कि नहीं जो कहती है वो करके दिखाती है। जितने भी काम के हैं
जनता ने कहे हैं वो जमीनी स्तर पर हुए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। बाकी बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, जो करती है वो करके दिखाती है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का जयघोष करूंगी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा जोर से बोलो, मेरी तेली की आवाज काटी। मोदी साहब, मोदी साहब, मोदी साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, यहाँ की आवाम, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया मैडम जी। चलो जी, गरीबों का ख्याल रखना, हम गरीब पछड़े हुए हैं। आपके पास में पहले भी गया, आपके पास में पहले भी गया इस रोड के लिए, देखो समझा, आज हो गया, आज हमारे तक रोड नहीं पहुँचे, देखो आज पहुँच जाएगी ना, नहीं पहुँचे, हम पछड़ के बहुत। चलो एक किलोमीटर पहले इसको पढ़ने दो ना, आज खुशी का दिन है, आगे फिर हम आएंगे, काम करवाएंगे। हजारों साल नरगिस जाएंगे हम हेड साहब के पास भी जाएंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेहुदी पे रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अपना। सबसे पहले मैं रैना साहब का और डीडीसी मैम का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इतने सालों के बाद, हमारी ये 10 साल से एक मांग थी जो आज पूरी होने जा रही है, और जो रैना साहब ने हमारे साथ वादा किया था तो आज उन्होंने बड़े बाहुबी इसको निभाया है, उस वादे को। मैं अपने लोगों से भी ये कहूंगी कि जैसे वो हमारे काम कर रहे हैं ऐसे आप ही उनका साथ दो। आज ये जो रोड है ये मेरी 5 वार्डों को टच कर रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी 2 वार्ड जो थी वो बिल्कुल रोड से अनटच थी, जो इस रोड की वजह से टच हो रही है, तो उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और एक बात और जो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो पीर मुर्शिद, उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी दरकुआ माला एरिया उसमें रोड देखने की, तो आज वो रैना साहब की कोशिश की वजह से वो पूरी हो रही है। मैं बिशारत एसटी मोर्चा का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हमारा ये एक लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड थी वो आज पूरी हुई। तो रैना साहब हर 1-2 महीने के बाद हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं उनको पूरी कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डीडीसी मैम का भी जो इस वक्त बड़े लगन से काम कर रहे हैं, सरपंच साहिबा का जो बड़े तहे दिल से काम कर रहे हैं ये लोग, तो हमारा जो हक है हमें 70 साल में नहीं मिला था, तो आज खुशकिस्मती से हमें वो हक हमें मिल रहा है। तो ये रोड जो है, जैसे सरपंच साहिबा ने कहा कि ये रोड जो है ये अपर पंचायत जो है इसकी 5 वार्डों को टच कर रही है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो महला दरकुआ जो था वो एक अनकनेक्टेड था रोड कनेक्टिविटी से, तो आज वो कनेक्ट हुआ, बहुत खुशी वाली बात है। हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं मैडम जी का भी, सरपंच साहिबा का भी, और रैना साहब का, जिन्होंने बहुत लगन से, बहुत दिल से और हमारे जज्बात को उन्होंने पूरा किया है। तो हमारा ये हमारी कोशिश है कि हम तय दिल से उनके साथ रहेंगे, थे भी और रहेंगे भी इंशाल्लाह। Thank you.